नहीं अच्छा उसका वो नाम मत ले। अच्छा तू बताओ क्या मुद्दा था पार्लियामेंट में उठाने का? नहीं क्या बोला, इतना बड़ा मुद्दा है पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया? बहुत बड़ा मुद्दा हो गया पार्लियामेंट में, हो जाना था कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए था। चालू है अभी फिर ऐश्रेया तू क्या कह रही है इस मुद्दे पर? क्या कह रही है? ए देखा देखी तक नहीं हूँ, बहुत ज्यादा हो गया। अगर हम लोग में उड़ना, अगर इतने छोटे बात तो हम लोग लड़ाई करे होते तो अभी तो 5-6 मर्डर कर दिया होता मैं। अब किस कौन सी बात थी? बस छोटी सी एकदम एकदम छोटी बात। फोन मत करो। वुमेन्स लड़के लोग ऐसी होती है, लड़कियां लोग ऐसा कुछ भी बकवास मत कर, सब लोग ऐसे नहीं। मम्मी तो ऐसी बात करेगी गुस्सा हो जाएगी, फिर एक दो महीने तक बात नहीं करेगी। मम्मी तो ऐसी नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। मम्मी तो दौड़ा के बात करती है ज्यादा हो गया। कुछ कुछ लोग ना 90% मम्मी ऐसी रहती है। ए दी दौड़ा के बात कर लो, हम लोग सो के उठे हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज ब्रेड पकौड़ा बनाने का मैं ट्राई कर रही हूँ, तो सोचा मैंने आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो ये आलू वाला बॉईल हो गया, अब इसको छील रही हूँ। एक तरफ मैं ये मसाला पीस रही हूँ जिसमें धनिया मिर्ची अदरक लहसुन है, इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। खुद ही अपने हाथों से, एक हाथ से काम कर रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं मोबाइल फ़ोन पकड़ी हूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जो कि ऐसे में ये मसाला डाल दिया मैंने बेसन में, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, नमक और इसको मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद थोड़ा इसमें रवा डालूँगी अभी। लिया अब इसको मैं वापस मैश कर रही हूँ, रवा से थोड़ा कुरकुरी बनता है। अब ये पैन लिया, इसमें मसाला डाल रही हूँ मैं, राई जीरा, कड़ी पत्ता थोड़ा डालूँगी, मिर्ची, ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब ये गरम मसाला डालूँगी, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालिए। मेरा रह गया। अच्छा अब अच्छे से मैश कर लिया, अब इसको चेंज दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि वो कढ़ाई को साफ किए बिना ही मैंने उसमें तेल डाल दिया। कढ़ाई साफ किए तेल डाली हूँ तो उसमें चिपक जाएगा, जो कि बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। तो अब मैं कढ़ाई चेंज कर दूँगी क्योंकि इसमें बराबर पकेगा नहीं, अच्छा होगा नहीं, तो इसलिए भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये डाल दी हूँ तो इसको निकाल दूँगा। देखिए ये चिपक गया है, बहुत ही बुरी तरीके से चिपक गया है, ये बहुत बड़ी मिसिंग हो गई। तो मैंने अभी ये दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें डाला है तो कितना अच्छे से है, इधर भी चिपक नहीं रहा है, अच्छे से पकेगा भी। वाह तो अच्छा लग रहा है कि अभी अच्छा बन जाएगा। बाबू तुमको वड़ा पाव कैसा लग रहा था खाने में? लग रहा था। बहुत ही थोड़ा बहुत। अच्छा अब श्रेया आ चुकी है,
ले ब्रेड पकौड़ा। बाबू खाओगे? खा के बताओ कैसा बना है। पियूष उठो, पियूष वो कह रहे गर्मी हो गई, ये निकल नहीं रहे, लाओ मैं निकल दूं। चालू हुआ क्या? हुआ चालू? अब करो करके ये नाश्ता कर लो, ठीक है ना? दीदी को उठाए, दीदी को उठाए, जाओ उठाओ उसको। ब्रेड पकौड़ा सिर्फ तेरे लिए बनाई हूँ मैं, तू बोला है इसके लिए। अभी देख श्रेया ये सुनेगी ना जब कि तेरे लिए बनाई हूँ, चिढ़ जाएगी। है ना? हो गया झगड़ा सुबह? बेसन कम पड़ गया तो ये भी मैं वापस कर रही हूँ। कम हो गया, कम पड़ गया तो और बेसन लपेट लिया। अच्छा बेसन, बेसन कम पड़ गया। हाँ। बाकी ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये तो इतना भरा हुआ है अभी। थोड़ा रवा डालना, शिट कुछ नहीं होता। अब लाखों में ऐसे तो जलेंगे इतने सारे, तो तीन में जल गया। ये कौन खाएगा? मैं खा लूंगी। तीनों बार किचन में मैं ही खाऊं तो ऐसा लग रहा है। मैं क्यों खाऊं? मैं खा रही हूँ, सही लग रहा है, कभी किया ही नहीं है। नहीं नो, उधर डाल दो। लग रहा है कि मैं अभी सीख रही हूँ क्या, है ना? ऐसा लग रहा है ना, पर मैं अभी सीख ही रही हूँ, बहुत दिन बाद बनाई हूँ। अभी इसमें वापस से सब मसाले डालना पड़ेगा, थोड़ा रवा डालना पड़ेगा ना, रवा कहाँ रखती है। उड़ गई श्रेया, अच्छा हो गया मेरा अभी वीडियो अच्छे से बन रहा है। थैंक यू श्रेया, यू आर वेलकम। वो तो आपने अच्छे तो अच्छा अच्छा बना के दे दिए, इसलिए मैं करके दे दे रही हूँ। आपने बनाया तो मैं भी कुछ बना दूँ, तभी का वीडियो ही बना देती। कल का तू बनाना क्या? कल नाश्ता तू बना। मेरे को नाश्ता नहीं बनाना था। क्यों? नो 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 नो, नमक डाली हूँ कि नहीं, थोड़ा टेस्ट करना। मैं नहीं कर रही टेस्ट, बेसन कौन टेस्ट करता है? नमक नहीं रहेगा तो फिर सब आप ही को पकड़ के मारेंगे। और ब्लॉग बनाओ। और किचन इतना गंदा की वो दीदी आएगी तो मेरे को ही डांटेगी, मैं बना के भग जाऊंगी। मैं भी भग जाऊंगी क्योंकि बहुत डांट पड़ने वाली, सब पसारा कर दिया। दिखा ये देखो कि कोई चीज जैसे पसारा भी मतलब एक लिमिट से होता है। ये लिमिट है, लिमिटलेस। एक्चुअली बनाना इसका था, ये इसका, पर बन इसका गया। तेल डालना गर्म हो गया, फटाफट डालना पड़ेगा। अच्छा चल, मेहनत सफल हो गया ना, बहुत मेहनत किया मैंने। बाबू